शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई की। विरोध में राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार कसडोल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष व सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करते हुए केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई आयकर सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा विरुद्ध असंवैधानिक रूप से दबाव पूर्वक कार्रवाई करते हुए डराने व दबाने का प्रयास किया जा रहा, जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई राहुल जी के ऊपर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कठपुतली बन चुके हैं ईडी और सीबीआई। जो देश में किसान, मजदूर और आम आदमी का आवाज उठाएगा, उसको ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश होती है। पर अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उस परिवार के सदस्य हैं राहुल गांधी। राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को ईडी और सीबीआई के कार्रवाई से लोग डरा के आम गरीब मजदूर की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विपक्ष को जो कमज़ोर करने के लिए इन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया, AICC के दफ्तर में घुस के मारपीट की, ये काला इतिहास के रूप में दर्ज होगा आने वाले समय में। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन दिए हैं। अगर ये कार्रवाई आगे जारी रही और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाएगा तो सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे।